हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक किस तरह से की जाती है व्हेन इट इज़ रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। बहुत ही सिंपल और आसान से डिज़ाइन है इसकी, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अब तक नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए वो वहाँ पर क्लियर हो जाए और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को। देखिए, आज हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जो टैंक को डिज़ाइन करने वाले हैं, वो है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक लेकिन अंडरग्राउंड। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था ऑन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पर हमने देखा था कि तब उसकी डिज़ाइन किस तरह से की जाती है। और आज इस वीडियो के अंदर देखिए कि अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम बनानी है, अगर हमें रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिज़ाइन करनी है विच इज़ अंडरग्राउंड, तब उसकी डिज़ाइन किस तरह से की जाती है, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में और सिंपल तरीके से हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल और या फिर हम कह सकते हैं जो सवाल हमने आज यहाँ पर ले रखा है वो ये रहा बिल्कुल आपके सामने। डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक फॉर द कैपेसिटी ऑफ 80,000 लीटर। देखिए, आपको यहाँ पर इस सवाल के अंदर टैंक के डायमेंशंस डायरेक्टली गिवन नहीं है, ओके। यहाँ पर आपको टैंक की कैपेसिटी गिवन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जो भी आपके केसेस हो सकते हैं, जिस तरह से सवाल निकल सकते हैं आपके सामने रख सकते हैं वो लोग, उस तरह से मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा और जो भी वेरिएशंस यहाँ पर आने की संभावना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में कवर करके चलूँगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं पे आपको अटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो एग्जांपल जो न्यूमेरिकल लिया था उसके अंदर आपको बिल्कुल डायरेक्टली वहाँ पर डायमेंशंस दे रखे थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर आपको डायमेंशंस नहीं बल्कि आज के सवाल की तरह सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी गिवन होती है। इस कैपेसिटी के हिसाब से हमें डायमेंशंस को पहले डिसाइड करना होता है, कंसिडर करना होता है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है डिज़ाइन प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। तो आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ टैंक गिवन है, दैट इज 80,000 लीटर, ओके। और आपको कहा गया है कि यूज M30 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, टेक गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 18 kN/m³, ठीक है। ये आपको यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल गिवन है, ओके। और आपको जो यूनिट वेट ऑफ वाटर यहाँ पे गिवन है वो है 10 kN/m³ एंड 5 मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो आपको 30° यहाँ पर गिवन है। सारी चीज़ों का अपना एक इंपॉर्टेंस है, जब हम डिज़ाइन करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल के अंदर तब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर गिवन है और कहाँ पर यूज़ होगी और ये सारी चीज़ें आपको सवाल के अंदर क्यों बता रखी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर आपको डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो पहले आपको डायमेंशंस इसके डिसाइड करने होंगे कि आपकी टैंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और उसकी हाइट, टोटल जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायर्ड कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। आपको जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितना है, यहाँ पर 80,000 लीटर। अब इस रिक्वायर्ड वॉल्यूम के हिसाब से आपको क्या करना होगा कि पहले आप अंदाज से कुछ डायमेंशंस यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, ओके। एज्यूम कर लीजिए कि आपके जो टैंक है वो 6m/4m/3.5m है, ओके। ये आपने यहाँ पर डायमेंशन एज्यूम किया। अब इस डायमेंशन का पहले आप जो भी टैंक प्रोवाइड करने जा रहे हो इसके कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, ओके। और वॉल्यूम यहाँ पर किस तरह से निकलेगा, वॉल्यूम मतलब वाटर का वॉल्यूम, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है, 80,000 लीटर, मतलब आपको यहाँ पर पानी का वॉल्यूम गिवन है। और हमें पता है कि जो वाटर होता है टैंक के अंदर टू द फुल हाइट या फिर फुल डेप्थ तक हम उसे भरते नहीं है, कुछ हद तक जो ऊपर की स्पेस होती है वो हम खाली छोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं फ्री बोर्ड, ठीक है। तो वो फ्री बोर्ड हमें कितना यहाँ पे छोड़ना है पहले उसे निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्री बोर्ड यहाँ पर हम, मैंने आपको पिछले एग्जांपल के अंदर बताया कि 0.2 भी हम एज्यूम कर सकते हैं या फिर 0.5 भी आप एज्यूम कर सकते हो, 0.3, 0.4, व्हाटएवर आप जो भी एज्यूम करना चाहते हो
एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.15 मीटर या फिर 150 mm यहाँ पर फ्री बोर्ड हम एज्यूम करते हैं, और इस फ्री बोर्ड को हम ये जो टोटल हाइट है इसकी 3.5 मीटर उसमें से माइनस करेंगे ताकि हमें डेप्थ ऑफ वाटर मिले जिस हद तक हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हाइट यहाँ पर आ रही है वाटर की वो कितनी है 3.35 मीटर, मतलब क्या है कि आपका जो टैंक का डायमेंशन होगा जिसके अंदर हम पानी को फिलअप कर सकते हैं वो होगा 6 मीटर बाय 4 मीटर बाय 3.35 मीटर। अब इसके अकॉर्डिंगली आप इनका वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है 80.40 मीटर क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं 80,400 लीटर, इसे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है, लीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा इस वैल्यू को, तब आपको लीटर में आंसर मिलेगा। और ये जो लीटर, ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 80,400 लीटर, ओके, विच इज समहाउ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, ओके। मतलब क्या है कि जो भी हमने डायमेंशंस यहाँ पे अज्यूम किए थे वो यहाँ पे खरे उतर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारी कैपेसिटी की कंडीशन को, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 80,000 से डाउन वैल्यू चली जाती कैपेसिटी की, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होता कि इन डायमेंशंस के अंदर आपको फिर से चेंज करना होगा, इन डायमेंशंस की वैल्यू को आपको थोड़ा इंक्रीज करके कंसिडर करना होगा और फिर से उसका वॉल्यूम काउंट करना होगा, उसके बाद आपको फिर से चेक करना होगा कि रिक्वायर्ड से ज़्यादा प्रोवाइडेड है या नहीं, ठीक है। ये कंडीशन आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करनी होगी, और इस तरह से आप इजीली जो है टैंक के डायमेंशन डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो टैंक के डायमेंशन डिसाइड किए वो कितने हैं 6 मीटर बाय 4 मीटर बाय 3.5 मीटर। मतलब क्या है इसका कि 6 मीटर इसकी लेंथ हुई टैंक की, मतलब लॉन्ग वॉल की जो लेंथ हो गई वो 6 मीटर है, और शॉर्टर वॉल की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, मतलब बी है ये कैपिटल बी, और जो कैपिटल एच है वो 3.5 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमने डायमेंशन देख लिए और जो वाटर की डेप्थ है वो है 3.35 मीटर, सिंपल, ओके। अब क्या करना होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टैंक है तो हमें इसके अंदर केस देखना होगा कि कौन सा पोर्शन इसका किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा एल बाय बी रेशियो। हमारे पास एल बाय बी रेशियो मतलब 6 बाय 4 होगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 विच इज लेस देन 2, ठीक। अगर लेस देन 2 हुआ तो क्या करना होता है कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये जो टॉप पोर्शन होता है वॉल का या फिर टैंक का, वो हमें एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिजाइन करना होता है, और जो बॉटम से एच मतलब स्मॉल एच जो हाइट होती है वो हमें एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करना होता है। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है स्मॉल h को फाइंड करने की। स्मॉल h किस तरह से फाइंड किया जाता है, वो होता है h बाय 4 या फिर 1 मीटर, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर कंसिडर करनी होगी। पहले हम देख लेते हैं कि h बाय 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.875 मीटर, ठीक, और ये है 1 मीटर से कम। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है हमें, सिंपली एच की वैल्यू जो होती है स्मॉल एच की वैल्यू, वो आपको 1 मीटर कंसिडर कर लेनी होती है, ठीक है। आपको स्मॉल एच की वैल्यू मिल गई तो आपको इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का जो ऊपर का टॉप का पोर्शन होगा वो भी आपको इजीली यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया कि ये सिंपल डायमेंशनिंग वगैरह यहाँ पर टैंक के डिस्कस कर लिए कि आपको कौन सा डायमेंशन कितना रखना है और क्यों रखना है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो चलिए अब हमारा पहला स्टेप होगा डिज़ाइन कांस्टेंट को फाइंड करने का। डिज़ाइन कांस्टेंट क्या होते हैं, हम इन्हें क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पिछले वीडियो के अंदर बताया था। इसके अंदर हमें जो मेन कांस्टेंट की ज़रूरत होती है वो है क्यू, हम इसे कह सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, ठीक है। ये आपको ज़रूरत पड़ती है इस वैल्यू की जब आप वॉल की थिकनेस या डेप्थ कैलकुलेट कर रहे होते हो, तब आपको क्यू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, क्यू बी डी स्क्वायर। इसके अंदर जो m होता है वो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और जो q होता है वो होता है फैक्टर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और b और d यहाँ पर से आपको d निकालना होता है। तो उसी के लिए हमें क्या करना है, q फाइंड आउट करना है। अब q को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये होता है हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, j की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद k की वैल्यू निकालनी होगी, और सिग्मा सी बी सी आपको आई एस कोड के अंदर से फाइंड आउट करना होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्क्रीट का ग्रेड कौन सा है। अगर एम 30 ग्रेड है तो आपके सिग्मा सी बी सी की वैल्यू जो है 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगी, और यहाँ पर सिग्मा एस टी की वैल्यू आपकी 130 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की होगी। सिग्मा सी जो है यहाँ पर वो आपको किस तरह से निकालना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से विथ आई एस कोडल
प्रोविज़न और रेफरेंस मैंने आपको बताया था कि कहाँ ये गिवन है किस टेबल के अंदर। आप प्रीवियस वीडियो को अगर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मैं इस वीडियो को यही मान के आगे बढ़ूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो वो वहाँ क्लियर हो जाए और इसके अंदर हम ज़्यादा डीप में ना जाए, बल्कि जो मेन प्रोसीजर है, जो वेरिएशंस है, वही मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको निकालना क्या होगा, क्यू की वैल्यू। इसके लिए आपको जे निकालना होगा, जे होता है 1 - k/3। यहाँ पर k की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, k इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन m इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। और इसके लिए आपको ज़रूरत है m की और सी बी सी की। तो m क्या होगा आपका, m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। अब यहाँ पे सिग्मा सी बी सी क्या है, ये आपने आईएस कोड में से निकाल लिया है। तो बस एक एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालते जाइए और आखिर में आप क्यू की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए, कौन सी वैल्यू कहाँ से किस तरह से लेनी है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगी। अगर नहीं हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा और हम वो डाउट आपका वहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डिज़ाइन कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर जो है हम अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब भी आप अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको दो कंडीशंस के लिए इस टैंक को डिजाइन करना होता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, टैंक इज एम्प्टी एंड सराउंडिंग सॉइल इज सैचुरेटेड। इसका मतलब ये है कि टैंक आपकी कंडीशन वन के अंदर, ठीक है, टैंक एम्प्टी है और सराउंडिंग सॉइल उसकी सैचुरेटेड है, मतलब वो सॉइल टैंक के ऊपर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन के अंदर आपको टैंक को किस तरह से डिजाइन करना है, ये पहली कंडीशन होती है, ओके। और दूसरी कंडीशन होती है, टैंक इज फुल एंड नो सॉइल आउटसाइड। दूसरी कंडीशन में आपको क्या कहा है कि टैंक आपकी फुल है पानी से और उसके सराउंडिंग में कोई सॉइल नहीं है, मतलब सॉइल का प्रेशर भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको टैंक की डिजाइन किस तरह से करनी होगी, कहां पर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, ये दो कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, डिजाइन करनी है इन दोनों कंडीशन के लिए इस टैंक को, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले कंडीशन के लिए डिजाइन करना, और वो है टैंक इज एम्प्टी एंड सराउंडिंग सॉइल इज सैचुरेटेड। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे टैंक के ऊपर कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं, किस तरह से डिजाइन के अंदर हमें कंसिडरेशंस करने होते हैं, ये हम बिल्कुल डिटेल में और सिंपल तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि एल बाय बी रेशियो हमारा यहाँ पर लेस देन 2 आ रहा था, तो ऐसी कंडीशन में जो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, मतलब जो टॉप पोर्शन होता है, वो हमें एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिजाइन करना होता है, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसके अंदर था, मैंने बताया था आपको कि अगर कंटिन्यूस फ्रेम डिजाइन करना होता है, इसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसके लिए हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले परफॉर्म करनी होगी। उससे पहले हमें यह निकालना होगा कि पर्टिकुलर जो हाइट है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इस हाइट तक का प्रेशर कितना है, इस हाइट पे प्रेशर कितना है। तो यह किस तरह से निकाला जाता है, के ए इंटू गामा डैश इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस, अब क्योंकि उसकी सराउंडिंग सॉइल सैचुरेटेड है तो उसका भी कुछ प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो यह गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। अब ये जो प्रेशर लग रहा है ये वाटर की वजह से लग रहा है, ठीक है, ये पानी की वजह से लग रहा है। चलिए, तो के ए यहाँ पर क्या होगा, सारी जो चीज़ें अननोन है मैं आपको पहले नोन करवा दूँ। जो के ए होता है ये 1 - sin φ / 1 + sin φ होता है, ठीक है। और ये के ए क्या है, के ए इज नथिंग बट द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशियंट, ठीक है, 1/3। फाइव की वैल्यू 30 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको के ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम बात करें कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की, तो कैपिटल एच हमने कंसिडर किया था 3.5 मीटर और स्मॉल एच हमने कंसिडर किया था 1 मीटर, तो ये 2.5 मीटर हो गई है, ठीक है। ये जो आपको हाइट दिख रही है ये कितनी है, 2.5 मीटर। अब गामा डैश की अगर बात करूँ तो ये होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 18 - 10, ओके, दैट इज इक्वल टू 8 kN/m³। ओके, तो आपको गामा डैश मिल गया। अब यहाँ पर सारी चीज़ आपके लिए नोन है, तो आपको यहाँ पर जो प्रेशर है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच तक वो मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू के ए इंटू गामा डैश इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, दैट इज इक्वल टू 31.67 kN/m², ये आपको प्रेशर मिल गया अप टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट, ठीक है, सिंपल। अब इस प्रेशर के अकॉर्डिंगली आप फिक्स एंड मोमेंट निकालोगे, ठीक है। तो फिक्स एंड मोमेंट यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए एंड
अलग अलग है, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, पूरी फिगर जो है ये पूरी टैंक आपकी सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस टैंक के अंदर क्या करेंगे हम कि कोई एक यहाँ पर एंड को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, हम यहाँ पर ले लेते हैं एंड ए, तो यहाँ पर एंड ए पर बी की वजह से जो मोमेंट होगी वो कितनी होगी, एंड ए पर बी की वजह से मोमेंट कितनी होगी, दैट इज माइनस पी एल स्क्वायर बाय 12 विच इज इक्वल टू माइनस 95.01 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये फिक्स एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी आ गया। अब अगर हम बात करें फिक्स एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू डी, डी की वजह से जो मोमेंट लगेगी वो कितनी है, ठीक है, तो वो होगा पी बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी क्या होता है, ये भी फॉर्मूले के अंदर इसलिए रखा गया है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। एल मतलब लेंथ होता है, क्योंकि यहाँ पर बी जो है शॉर्टर वॉल की विड्थ है, तो इसलिए यहाँ पर बी को यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, काफ़ी बंदे इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता दूँ फिर से, ठीक है। तो पी बी स्क्वायर बाय 12 होता है, दैट इज इक्वल टू 31.67 इंटू 4 स्क्वायर, यहाँ पर जो शॉर्टर वॉल की लेंथ है वो 4 है, ठीक है, डिवाइड बाय 12, इसका आंसर आएगा आपका 42.22 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आपने क्या किया कि ए पर बी की वजह से जो मोमेंट आ रही थी वो निकाल ली, और ए पर डी की वजह से जो मोमेंट आ रही थी वो आपने यहाँ पर निकाल ली एज अ फिक्स एंड मोमेंट। ओके, आपने इतना यहाँ पर सॉलिडिफाई कर लिया इसको, आपने इतना यहाँ पर निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया था कि किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। आई डोंट थिंक कि आपको फिर से इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके बावजूद भी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अंदर जानना है ज़्यादा, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे और मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले का वीडियो एक बार ज़रूर और अगर इसके बाद कोई डाउट हो तभी कमेंट करें, ठीक है। चलिए तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। यह भी मेथड मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से G+3 के अंदर ही समझा दिया था, उसके बावजूद भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर फिर से एक बार इसको दोहरा दिया था और आपके लिए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रख देना है कि ए पर बी की वजह से और ए पर डी की वजह से, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स एंड मोमेंट को यहाँ पर प्लेस कर देंगे कि भाई ए पर बी की वजह से फिक्स एंड मोमेंट कितनी थी और ए पर डी की वजह से फिक्स एंड मोमेंट कितनी थी, ये हमने यहाँ पर सिंपली रख दिए। अब क्या करेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। करना क्या होता है आपको, 42.22 - 95.01, ठीक है। आपको ये पहले इसका आंसर निकाल लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद जो भी इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा, जो भी इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये आएगा नेगेटिव वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब ये नेगेटिव वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे इस 0.6 से, और इस 0.6 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव होगी। लेकिन यहां पर आपको उस वैल्यू को रखना है, यहां पर आपको उस वैल्यू को रखना है विथ इट्स अपोजिट साइन। ओके, आपको अपोजिट साइन के साथ वो वैल्यू यहां पर रखना है। सिमिलरली आपको राइट हैंड साइड भी करना होगा कि 42.22 - 95.01, ओके, इसका जो सब्ट्रैक्शन का जो जवाब आएगा आपका, जो आंसर आएगा आपका, उसको आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसकी जो अपोजिट साइन होगी उस अपोजिट साइन के साथ आपको यहां पर उस वैल्यू को रखना होगा। सिंपल, ये आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है, ठीक है। और आप फिर इसे एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पर मोमेंट बैलेंस हुई या नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर -95.01 +21.12 अगर करोगे तो -73.89 होगा, और अगर 42.22 +31.67 करोगे तो +73.89 होगा। मतलब ये इक्वल और अपोजिट दोनों तरफ आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर फाइनल मोमेंट हमारी बैलेंस हो चुकी है। और अगर आपको इसके आगे भी प्रोसीजर समझना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप G+3 बिल्डिंग के अंदर जाइए उस वीडियो सीरीज के अंदर, और जो बीम का एग्जाम्पल था, जो बीम वाला वीडियो था जिसके अंदर मैं बीम को डिज़ाइन किया था, वहाँ मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह समझा रखा है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से आपको फॉलो करना है, इसकी प्रोसीजर को, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमारी मोमेंट बैलेंस हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जो निकाला वो एंड पर निकाला था, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंटर पर जो मोमेंट है,
स्पान ए बी हो या ए डी हो, इसके सेंटर पे कितनी मोमेंट है वो हमें निकालना होगा। उसके बाद आपको कंप्रेशन, यहाँ पर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। क्यों आएगा? हमने पिछले वीडियो के अंदर जो एग्जांपल डिस्कस किया था वहाँ पर टेंशन आ रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टैंक अंदर से खाली है और बाहर से सॉइल का प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टैंक चारों तरफ से कंप्रेस हो रही है। ये क्या हो रही है, टैंक चारों तरफ से कंप्रेस हो रही है ड्यू टू सॉइल प्रेशर, ठीक है। तो ये कंप्रेशन फोर्स हमें हर एक वॉल के ऊपर, जो लॉन्ग वॉल है और शॉर्ट वॉल है, ये हमें दोनों तरह की वॉल के ऊपर कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट द लॉन्ग स्पान ए बी, हम इस पर सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो निकाल लेते हैं। अब सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट किस तरह से निकाली जाती है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ इस सॉल्यूशन का तो भी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अगर आपको सेंटर पर निकालनी है तो किस तरह से निकालना होता है, ये होता है माइनस एम ए, मतलब ये जो ए मोमेंट, ए पर जो मोमेंट है फिक्स एंड मोमेंट पर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे माइनस करनी होगी क्योंकि उसके लिए आपको फिर से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो पी एल स्क्वायर बाय एट जो है आपका, पी आपका जो टेंशन जो फोर्स आया था, पी आपका जो फोर्स आया था वो कितना था, 31.67 इंटू जो लॉन्गर स्पान ए बी है उसकी जो लेंथ आपकी है वो 6 मीटर है, डिवाइड बाय 8, माइनस जो एम ए था वो कितना था, माइनस 73.89। ओके, इस तरह से आपको सेंटर पे मोमेंट मिल चुकी है 68.62 किलो न्यूटन इंटू मीटर, विच इज ऑन लॉन्गर स्पान ए बी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ लॉन्गर स्पान ए बी। अब हम बात करते हैं शॉर्टर स्पान की, तो वही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, बस यहाँ पर डायमेंशन चेंज हो गए। चलिए तो आप डायरेक्ट कंप्रेशन इन लॉन्ग वॉल कितना है ये हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट कंप्रेशन कितना होगा, P इंटू बी बाय 2, ठीक है। डायरेक्ट कंप्रेशन लॉन्ग वॉल की अगर बात करूं मैं, ये लॉन्ग वॉल है तो ये किसकी वजह से ये कंप्रेस होगी, ऑब्वियसली शॉर्टर वॉल्स की वजह से, ठीक है। शॉर्टर वॉल्स अंदर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगी ड्यू टू सॉइल प्रेशर, ठीक है। तो ये वॉल अगर अंदर जाने की कोशिश करेगी, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वॉल इस लॉन्ग वॉल को कंप्रेस करेगी। अब कितना कंप्रेस करेगी तो ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी विड्थ के ऊपर। तो P मतलब प्रेशर 31.6 है उस वॉल के ऊपर, और जो वॉल की विड्थ है या लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर की, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको ये डायरेक्ट कंप्रेशन ऑन लॉन्ग वॉल मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से लॉन्ग वॉल कंप्रेस हो रही है वो कितना है, 63.34 किलो न्यूटन पर मीटर। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट कंप्रेशन ऑन शॉर्ट वॉल, तो ये कंप्रेस होगी इन लॉन्ग वॉल की वजह से, ठीक है। तो ये कितना होगा, पी एल बाय 2, दैट इज इक्वल टू 95.01 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जो भी मोमेंट सपोर्ट पर थी वो निकाल ली हमने, सेंटर पर मोमेंट थी वो निकाल ली हमने, उसके बाद जो डायरेक्ट कंप्रेशन लग रहा था लॉन्ग वॉल पर एज वेल एज शॉर्ट वॉल पर, हमने सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी डिज़ाइन के अंदर वो यहाँ तक कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली डिज़ाइन प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ेंगे और पहला जो कंपोनेंट है इसका लॉन्ग वॉल वो हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा था कि हमें पहले सपोर्ट के ऊपर इसको डिजाइन करना होगा, सपोर्ट के ऊपर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद आपको सिमिलरली सेंटर के ऊपर डिजाइन करना होगा, सेंटर के ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। तो हम बात करते हैं पहले सपोर्ट की, तो सपोर्ट पे हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहले मोमेंट जो थी सपोर्ट की वो लिख दीजिए कि सपोर्ट ऑन मोमेंट के मोमेंट ऑन सपोर्ट इज इक्वल टू 73.89 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और यहाँ पर जो सी है कंप्रेशन वो कितना है, 63.34 किलो न्यूटन। ओके, अब हम जब एएसटी यहाँ पर फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी। ये डी क्या होता है, डी इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ वॉल, या फिर हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ वॉल। अब वो हमें पता नहीं है तो वो किस तरह से निकाली जाती है, वो उसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, ठीक है, एम इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर। यहाँ पर एम आपको पता है, क्यू हमने पहले ही स्टेप के अंदर निकाल लिया था, ठीक है, डिजाइन कांस्टेंट। उसके बाद बी हमें पता है ये होता है पर मीटर के लिए, इसलिए 1000 होगा, और यहाँ पर डी सिर्फ अननोन है तो यहाँ से इजीली हम जो है डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 202.6 mm, तो हम इसे यहाँ पर राउंड अप करके 250 mm ले लेते हैं, और अगर हम 50 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल डेप्थ कितनी होगी, 300 mm की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इफेक्टिव डेप्थ की ज़रूरत है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कवर। तो चलिए यहाँ पर स्मॉल डी हो जाएगा 250, इसके हिसाब से जो ए एस टी फॉर मोमेंट हो जाएगा वो कितना होगा, 2640.58 mm स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड मोमेंट है, ठीक है,
ये कितनी है, रिक्वायर्ड मोमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या करेगी हम कि 20 डाया बार प्रोवाइड करेगी एट 110 mm सेंटर टू सेंटर। सिंपल, ये आपने क्या किया कि सपोर्ट के ऊपर वॉल को डिज़ाइन किया और रेन्फोर्समेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करना होता है कि कंप्रेशन के लिए हमने पिछली वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने एएसटी फॉर मोमेंट और एएसटी फॉर टेंशन, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल रखी थी। लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स है तो कंप्रेशन के लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही स्टील को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आईएस कोड ने आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर वहाँ पर जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है एक परमिसिबल वैल्यू से बढ़ रहा है तब आपको वहाँ पर हैवी रिइंफोर्समेंट या फिर डिज़ाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली रिइंफोर्समेंट करने की प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये परमिसिबल रिइंफोर्समेंट से कम है, परमिसिबल स्ट्रेस से कम है, तब आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आईएस कोड ने परमिसिबल लिमिट कितनी दे रखी है और उसको कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोवाइड करने की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना हमारे पास 63.34 इंटू 10^3 हो गया डिवाइड बाय 1000 मतलब बी इंटू 300 मतलब कैपिटल डी, तो ये कितना होगा 0.21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब आपको आईएस 3370 पार्ट 2 के अंदर टेबल नंबर 2 में आपको गिवन है जो मैक्सिमम या हम कह सकते हैं परमिसिबल या फिर अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस वो कितना होना चाहिए, 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यहाँ पर आपको उस आईएस कोड के अंदर गिवन है। और हमारे पास जो आ रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस वो कितना आ रहा है, 0.21, जो कि अलाउेबल से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, क्या करेगी, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगी, कितना करेगी, वो होता है 0.24%। ओके, आप सिंपली इसको 0.24% के अकॉर्डिंगली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। इसका मतलब अगर हम एक जोन की बात करें, मैंने आपको बताया था कि एक जोन क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी वॉल है जिसकी थिकनेस जो है 300 mm टोटल। ठीक है, तो इसके अंदर जोन का मतलब क्या होता है, ये सेंटर से अगर कट करें इस वॉल को तो ये जो एक भाग हो गया उसका हम इसे कह सकते हैं वन जोन, और ये दूसरा भाग जो हो गया उसका उसे हम कह सकते हैं सेकंड जोन। ठीक है, इस तरह से जोन हम कह सकते हैं इसे। तो अगर हम एक जोन के अंदर कितना स्टील लगे उसके बारे में कहे तो ये होगा 0.24 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 150, तो ये हो जाएगा 360 mm स्क्वायर एक जोन के लिए। ठीक है, मतलब दो जोन की अगर बात करें हम या फिर पूरे थिकनेस की बात करें वॉल की कि कितना उसके अंदर रिइंफोर्समेंट लगेगा मिनिमम, तो अगर आप इसको 360 प्लस 360 करोगे तो ये टोटल आपको एएसटी लगेगा उस ओवरऑल थिकनेस के लिए। सिंपल, इस तरह से आपको मिनिमम रिइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब चलिए हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टील कितना और किस तरह से प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए भी आपको क्राइटेरिया है कि भाई मिनिमम आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर सकते हो दैट इज 0.24% या फिर एएसटी जो उसका होता है वो होता है 360 mm स्क्वायर। ठीक है, 0.24% के अकॉर्डिंगली फॉर वन जोन। सिंपल, आप इतना ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर सकते हो और इस स्टील के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर 10 डायमीटर के बार प्रोवाइड कर सकते हो एट 210 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आप एएसटी प्रोवाइड करोगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो कितना आएगा, 374 mm स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर सकते हो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। अब चलिए, यहाँ तक हमने सपोर्ट के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं सेंटर के लिए कि सेंटर को किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो सेंटर की मोमेंट यहाँ पर आप पहले देख लीजिए कि 68.62 है और वहाँ पर जो कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेशन है वहाँ पर, वो कितना है, 63.34 है। ठीक है, इसके लिए आप मॉडिफाई मोमेंट निकाल लीजिए, ने मतलब हम कह सकते हैं नेट मोमेंट। तो यहाँ पर जो मोमेंट थी वो कितनी थी, 68.62, लेकिन जो कंप्रेसिव फोर्स है और उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स होगा उसकी वजह से भी एक मोमेंट होगी, तो वो कितनी है और आपके पास ऑलरेडी कितनी है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मोमेंट बचेगी आपको फर्दर उसके लिए वहाँ पर स्टील प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो देख लेते हैं कि कितनी मोमेंट यहाँ पर डिज़ाइन के लायक बचेगी। तो 68.62 माइनस सी यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिव फोर्स 63.34, और एक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर एक फिगर है, इसके अंदर आपको एक्स बता रखा है। एक्स इज नथिंग बट द सेंटर, एक्स इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द अप टू द इफेक्टिव कवर। ठीक है, ये इफेक्टिव कवर जो 50 mm का था यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से, इसे हम कह सकते हैं एक्स। ये किस तरह से निकालना है ये आपको इस फिगर को देखकर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए, यहाँ पर मॉडिफाइड मोमेंट की अगर बात करें तो ये होता है 62.28 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंगली कि एएसटी फॉर मोमेंट कितना लगेगा, तो वो होगा यहाँ पर
2226 mm square, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि 20 mm डाया बार प्रोवाइड कर देगी 140 mm सेंटर टू सेंटर, और इसी के अकॉर्डिंगली जो प्रोवाइडेड AST आएगी वो कितनी आएगी 2244 mm square, और ये स्टील हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे लिक्विड फेस के ऊपर, कहाँ प्रोवाइड करेंगे हम ये लिक्विड फेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टेंशन कहाँ पर होगा लिक्विड फेस पर, यहाँ पर होगा बाहर से कंप्रेशन आ रहा है, मतलब जो अपोजिट उसकी साइड होगी वहाँ पर टेंशन प्रोवाइड होगा, टेंशन क्रिएट होगा, तो वहाँ पर हमें स्टील प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, सिंपल, ये हमने एट द सेंटर प्रोवाइड किया स्टील को, ओके। अब क्या करते हैं हम शॉर्ट वॉल की बात करते हैं, अब हम शॉर्ट वॉल की बात करते हैं कि शॉर्ट वॉल के अंदर सपोर्ट पर किस तरह से डिज़ाइन करना है और सेंटर पर किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगी, बिल्कुल वही सेम आपको स्टेप फॉलो करने हैं, उसी तरह से आपको स्टील प्रोवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए और बिल्कुल शांति से इत्मीनान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट वॉल की बात हुई कि भाई सपोर्ट पे आपको किस तरह से प्रोवाइड करना है और सेंटर पे आपको किस तरह से प्रोवाइड करना है, ठीक है, सिंपल। एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि हम जब भी AST फॉर मोमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो वो डिपेंड करता है मोमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियस यहाँ पर जो मोमेंट हमने प्रोवाइड की थी, ठीक है, लॉन्गर वॉल के अंदर वो मोमेंट कितनी थी, यहाँ पर देखिए 73.89 kN/m, ठीक है, 73 kN/89 km, और यहाँ पर जो मोमेंट है शॉर्ट वॉल के लिए सपोर्ट के ऊपर वो कितनी है 73.89, मतलब सेम मोमेंट है। तो जब मोमेंट सेम है तो यहाँ पर AST भी सेम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्दर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जितनी मोमेंट आपने वहाँ प्रोवाइड की थी, जितनी स्टील वहाँ पर प्रोवाइड किया था, वही आप सेम डिट्टो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिनिमम प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये सेंटर की अगर बात करें हम, तो सेंटर के अंदर आपको क्या करना है कि मोमेंट पहले लिख लीजिए -31.66 है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर स्टील प्रोवाइड की दीजिए और बार अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पर कि शॉर्ट वॉल के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, लेकिन क्योंकि ये केस कैसा था कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच तक की हाइट हमें एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिजाइन करना था, और जो बॉटम का जो पोर्शन था हमारा वहां पर अभी जो 1 मीटर की हाइट है वो एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करने का बाकी है, तो वो किस तरह से डिजाइन होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें उस 1 मीटर की हाइट तक जो भी प्रेशर है वो निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर के बेस पर ही अल्टीमेटली डिजाइन करेंगे। तो प्रेशर कितना आएगा, KA × γ′ × H + γ W × H, ठीक है। तो चलिए, यहां पर KA गामा डैश हमें पता है और कैपिटल एच हमें पता है, गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच हमें पता है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपको जो प्रेशर निकलेगा बेस पर वो कितना आएगा 44.33 kN/m², सिंपल। इस तरह से हमने प्रेशर निकाल लिया बेस पर, अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम इसके अकॉर्डिंगली मोमेंट निकालें, तो मोमेंट क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू सी जी, ठीक है, ये क्या है, सी जी है, तो हाफ हमारे पास इंटू 44.33, ये प्रेशर या बेस कह सकते हैं इसे, इनटू जो हाइट है जिस पोर्शन को हम डिज़ाइन करने वाले उसकी हाइट, ठीक है, तो ये 1 मीटर की हाइट है, इनटू उस पोर्शन की सीजी, मतलब वो भी ट्राइंगल है तो 1/3 इसका, मतलब H/3 होगा इसका सीजी, ठीक है, तो ये होगा 1/3, दैट इज इक्वल टू 7.38 kN/m। अब इस मोमेंट के अकॉर्डिंगली आप AST प्रोवाइड कर दीजिए, वो आ रहा है आपके पास 264 mm square, लेकिन यहाँ पर ये मिनिमम से कम है, आपको IS कोड कहता है कि मिनिमम AST आप 360 प्रोवाइड कर सकते हो, इससे आपको कम प्रोवाइड करनी नहीं है, लेकिन अगर आपके इससे कम AST आपके कैलकुलेशन के अंदर या डिज़ाइन के अंदर आ रही हो तो आपको उसको नेगलेक्ट करके जो मिनिमम क्राइटेरिया IS कोड ने आपको बता रखा है वो फॉलो करना है और 360 mm square प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम फिर से 10 mm डाया बार प्रोवाइड कर देते हैं 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर, और यहाँ पर जो प्रोवाइडेड AST आएगी वो आएगी 374 mm square। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो बॉटम का 1 मीटर हाइट थी उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है वो हमने यहाँ पर देख लिया बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, ठीक है, हो गया इतना। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कंडीशन 2 जो है
उसके अंदर टैंक फुल है और आउटसाइड सॉइल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि आउटसाइड सॉइल प्रेशर नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर टैंक को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। कुछ वेरिएशंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, वो हम सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट माय रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।